नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है मनोज कुमार। कृषि जागरण के फार्मर द जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक युवा किसान विशाल मौर्य। इनसे जानेंगे पलक पालक की खेती को किस प्रकार से करना चाहिए। विशाल मौर्य नाम है मेरा। कहाँ रहते हो? जिला पीलीभीत। कौन सा गाँव है अपना? ये खपेल घोटिया। अरे पालक की खेती करिए, किस प्रकार से करिए? पालक की खेती इस प्रकार होती है, पहले खेत को जुताया और इसमें खाद वगैरह देसी डाली इसमें, और उसके बाद में पालक का बीज वगैरह डाल के करने में कम से कम एक महीना लग जाता है पालक को तैयार करने। एक चीज बताओ, जैसे सबसे पहले खेत की अच्छे से जुताई करनी होती होगी ना? हाँ, पहले जुताई होती है। कितने बार जुताई? लमसम दो बार जुताई होगी तो खेत बढ़िया होता है, इसमें देसी खाद वगैरह डाली जाती है। गोबर देसी गोबर डाला जाता है। अच्छा, कितनी जगह में लगाई है आप? जी लगी है 1.5 बीघे में लमसम। अच्छा, इसमें मतलब 1.5 बीघे में लगाने बात की जाए तो कितना बीज लगा हुआ है लगभग? बीज इसमें लग गया लमसम 2 से 3 किलो बीज डल जाता है। अच्छा, लगाने कितने दिन बाद जमना शुरू हो जाता है? डेढ़ 5वें 6वें दिन तैयार मतलब बीज निकल आता है बाहर खेत से। हाँ। अच्छा, इस समय कितने दिन की है पालक? ये तो लमसम इसका दूसरा तीसरा पाल है, काफी बड़ी हो गई है, 1.5 महीने की लमसम। अच्छा, इसमें खाद की बात की जाए तो खाद भी लगानी होती है निकाल? हाँ, खाद यूरिया वगैरह लगती है उससे ही है। यूरिया लगती है? हाँ, यूरिया। यूरिया से अच्छी होती है? हाँ, यूरिया से बढ़ जाती है पालक, जल्दी हो जाती है। अच्छा, जैसे जैसे इसमें जो ये कीड़े जैसे लग रहे हैं, जैसे पीला पड़ रहा है पत्ता, जी जी जी, इसके लिए क्या बचाव के लिए करती है? ये कीटनाशक दवा लगती है इसमें, उसी दवा से। हाँ, दवा का छिड़काव होता है इसका। आराम से जुताई दवा सब लग जाता है। इसमें निकलने की बात की जाए तो रोजाना निकलती है कितनी बात करती? लमसम 8 से 10 दिन लग जाते हैं घर से। 8 से 10 दिन लग जाते हैं। कितने रुपए? हाँ, मंडी जाती है, अभी तो बिक रही है 10-15 रुपए किलो। हाँ, 10-15 रुपए किलो एक हिसाब से बिक रही है। स्प्रे लगाई जाती है इसमें, स्प्रे से खराब भी थोड़ा पालक को असर हो जाता है इसमें। हाँ, ये सूखने लगती है ज्यादा दवा लगने से, फिर पालक भी खराब होने लगती है। हाँ, कीटनाशक दवा से थोड़ा जी भी है पालक पर भी इफेक्ट पड़ जाता है और फिर ये पालक खराब होने लगती है। सही तरीका क्या है बताओ थोड़ा, ये कैसे करने चाहिए किसान भाई? किसान भाइयों को ज्यादा क्या है इसमें, कीटनाशक दवा कम लगाना चाहिए ताकि फसल बेकार हो जाती है। हाँ, ज्यादा दवाएं लगाने से फसल बेकार हो जाती है। देखिए ये फसल अभी दवा लगाई है कुछ दिन पहले और ये देखिए ऐसी हो रही है पालक। हाँ, ज्यादा दवा लगाने से फसल बेकार हो जाती है। सही तरीका क्या है? देसी लगाना चाहिए, बाकी आपका देसी खाद अगर देसी खाद है तो सबसे ज्यादा बढ़िया, फसल सबसे ज्यादा बढ़िया होगी, देसी खाद होना चाहिए। अच्छा,